तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं द इंडियन टेम्पेस्ट गेमर। हम लास्ट एपिसोड में थे मॉवेल सिटी में और मैं जा रहा हूँ रूट 118 में अपनी टीम के लिए एक नया मेंबर ढूंढने। अब यहाँ पर कोई घास फूस तो है नहीं, तो फिशिंग ट्राई करके देखते हैं, क्या पता तो कुछ मिले। वो कुछ मिला? अरे भाई लेजेंडरी पोकेमोन लेवल 8 का कैटरपी। भाई बहुत ही खतरनाक एक जहरदार पोकेमोन है, आरसीएस के बाद इसी का नंबर आता है। और इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट निकनेम है, शक्तिमान। भैया मैं अभी जा रहा हूँ पोकेमोन सेंटर, गंगाधर के बदले मैं शक्तिमान को टीम में रख लूँ। जब शक्तिमान हो तो गंगाधर का क्या काम। और शक्तिमान को लीडर बना देते हैं अभी टीम का। भाई इस बंदे की अलग ही ट्रेनिंग चल रही है कुछ। मैं निंजा हटौड़ी आ गया हूँ। यार एक कैटरपी के पास कोई अटैक तो है नहीं, क्या करूं, चेंज करना पड़ेगा। और एक क्या जानवर है ये, जिराफ है, घोड़ा है, सुअर है, शायद कीचड़ में ही बैठा हुआ था। भाई लेवल अप भी हो गया शक्तिमान। ओके वो शक्तिमान इवॉल्व हो रहा है, हमारा फर्स्ट एवोल्यूशन है शायद इस सीरीज में। क्या बनेगा भाई ये, क्या बनने वाला है। नॉकडाउन में इवॉल्व हो गया कैटरपी। तो भाई जो लोग कंफ्यूज हैं कि ये क्या हो गया, कैटरपी भाई चिड़िया कैसे बन गया, तो उनको मैं बता दूं कि मैंने एवोल्यूशन भी रैंडमाइज कर दिए थे, तो कोई भी पोकेमोन कुछ में भी इवॉल्व हो सकता है। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, कोई ग्लिच व्लिच नहीं है ये। ये भी ट्रेनर है क्या? ना, द एयर इज टेस्टी हियर। पगलेट बच्चा। भाई स्पिनर्स को डॉज करना इजी है, एक ही पैटर्न में घूमते रहते हैं, बस साइड में से निकल जाओ। और पोकेबॉल्स ले लूं पहले कुछ। भाई कुछ नए टाइप की पोकेबॉल्स भी हैं यहाँ, पर बहुत महंगी है भाई, 1000 की एक। भाई ये कुछ लंबा हाथ मारने के मूड में लग रही है, पैसे ऐसे चुराने वाली है लग रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे जो चने के खेत में वाला डांस चल रहा हो। तो भैया ये है रूट 117। अबे झाड़ू बेचने का टाइम है क्या? और मेरे घर के साइड, ये देखो बोलने नहीं दे रहा मुझे, मेरे घर के साइड में गली जाती है। भाई ये जब तक इसकी सारी झाड़ू बिकनी जाएगी नहीं, जाएगा नहीं यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। और सुबह से शाम तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचता रहता है, और कोई शांति से रिकॉर्ड नहीं कर सकता कोई। तो मैं कहाँ था? हाँ भाई ये है रूट 117। मैंने शक्तिमान को कहाँ पकड़ा था, रूट 118 में। इसका मतलब है कि हम 117 में नया पोकेमोन पकड़ सकते हैं। बस इसको हरा दूं पहले। तुमको पता है ये क्यों हरा हमसे? क्योंकि इसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था। तो अगर तुम चाहते हो पोकेमोन में जीतना, तो जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो वही है, फाइनली एक वाटर टाइप पोकेमोन मिला। एपिसोड 1 में एक ब्लास्टोइज मिला था, उसके बाद से कुछ मिला ही नहीं हमको वाटर टाइप। अरे बॉल बॉल बचा भाई।
नई वाली पोकेबॉल ट्राई करके देखते हैं। यार रात हो गया पोकेबॉल में, महंगी है पर काम करती है। हमने जो किडनी दी थी वो पोकेबॉल्स के बदले वो वेस्ट नहीं हुई मतलब। तो भैया काफी टाइम से कमेंट आ रखा था और लोगों ने भी कमेंट किए थे और मस्त मस्त नाम भी बताए थे। मैंने पढ़ लिए हैं तुम सब लोगों के कमेंट, लेकिन मैं थोड़ा डेट वाइज चलता रहता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। तो आ जाएगा तुम्हारे जो तुमने नाम सजेस्ट किया उसकी भी बारी आ जाएगी, तो डोंट वरी। अरे यार इस बार ध्यान नहीं दिया मैंने, भाई मैंने बोला था ना चने के खेत में वाला डांस चल रहा है। चलो कुछ काम का तो अटैक सीखा सकते मान ने, वो कैटरपी वाले अटैक लेके घूम रहा था स्विंग शॉट। ये तो वही वाली टनल है जहां हमने कालिया को पकड़ा था मेरे ख्याल से। और राइको है इसके पास, भाई शक्तिमान के बस की नहीं है भाई। नथुलाल बेटर चॉइस रहेगा मेरे ख्याल से इसके लिए। तो ये काफी घमासान लड़ाई के बाद आगे बढ़ते हुए, ये पत्थर किसने रखा है भाई रास्ते में? अच्छा ये अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पा रहा था, वही बहुत लोग नहीं मिल पा रहे हैं आजकल लॉकडाउन की वजह से, क्या करें। और एक रिपीट बॉल भी मिली है भाई। रिपीट बॉल ने तो मेरे ख्याल से गेम में बहुत आगे अनलॉक होती है, पर ठीक है आई गेस। आइटम रैंडमाइज करने का भी फायदा, क्या क्या मस्त मस्त चीजें मिल जाती हैं हमको पड़े हुए। एवोल्यूशन स्टोन मिल जाते हैं, रिपीट बॉल मिल गई, एनर्जी रूट भी मिली थी। यार शक्तिमान उतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक तो लड़ ही लेता है, बस लेवल ही थोड़ा कम है बेचारे का। अबे ये फिर आ गया भाई, अब मुझे कोई चांस नहीं लेना ये रजिस्टीन के साथ। एक्सप्लोजन यूज कर लिया इसने, बाबू राव की आत्मा अभी तक पीसी में तड़प रही होगी। नथुलाल थक गया हो गया रायकू से लड़ लड़ के, तो वो थोड़ा आराम दे दिया जाए बेचारे को, और वसूली को ले आते हैं टीम में। तो भाई मैं निकल रहा हूँ इस टाइम टाउन। भाई मैं निकल रहा हूँ इस टाउन से क्या होता बोल ही नहीं पा रहा था। भाई मैं निकल रहा हूँ इस टाउन से, बहुत टाइम बिता लिया यहाँ पे। वाइल्ड प्लूम के लिए तो चेंज करने की जरूरत नहीं है पोकेमोन।
थोड़ा बच बच के निकलना पड़ेगा यहाँ पे। भाई बहुत शातिर से होते हैं ये, दिख रहे हैं ना तुमको, अचानक से घूम जाते हैं, बैटल स्टार्ट हो जाती है भाई। मुझे मतलब कि कोई बैटल वैटल नहीं करनी है जी। अरे नया रूट आ गया, रूट 112। यू नो व्हाट टाइम इट इज, पोकेमोन पकड़ने का टाइम। भाई आई जस्ट रियलाइज समथिंग कि जो वाइल्ड प्लूम था वो हमारा रूट 111 का इनकाउंटर था जो कि हमने मार दिया। भाई कोई बात नहीं, प्रो लोगों से भी गलती हो जाती है कभी कभी, हमको वाइल्ड प्लूम से भी बढ़िया कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। देखा जब भाई, जब राधेमा तुम्हारी टीम में हो तो वाइल्ड प्लूम की किसे जरूरत। अब देखो क्या है कि जो राधेमा है वो लाल कलर के कपड़े पहनती है, उससे होता क्या है कि ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है। तो अगर तुम जो लाल लाल जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो तो तुम्हारे भी अलग ही लेवल की खुशी मिलेगी, और अगर वो बेल आइकन भी दबा दोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों की बहार ही आ जाएगी। तो भाई वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर देना। अबे स्वैम्पर्ड को कैसे पकड़ूं, पर मेरी पूरी टीम जो है वो वीक है इसके अगेंस्ट। एक विनोदी है जो शायद थोड़ा कुछ कर सकता है। अब सबसे वीक अटैक कौन सा है विनोद का? बुलेट सीड। मरना तो नहीं चाहिए। बस ये कहने की देर थी, बस मरना तो नहीं चाहिए। अरे छोड़ यार, निकलो यहाँ से, बाद में वापस आएंगे। इलेक्ट्रोड भी है यहाँ पर, इसके पास भी एक्सप्लोजन होता है ना। भाई भागो यहाँ से। ये इन दोनों का क्या चल रहा है भाई, चुपके चुपके देख रहे हैं दूसरे को। ये तो सरासर चिढ़ा रहा है गेम अब हमको, सीधे सीधे स्वैम्पर्ड नहीं पकड़ पाए तो। लो भैया हम आ चुके हैं दादी जी के घर में, आज हम करेंगे यहीं पर आराम और नेक्स्ट एपिसोड यहीं से स्टार्ट होगा। अब जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, आगे शायद कुछ गेम की स्टोरी आगे बढ़ने वाली है। कुछ मेरे ख्याल से टीम है एक्वा टीम मैग्मा के बीच में कुछ लड़ाई होने वाली है, गैस देखते हैं भाई क्या है, नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा वो। तो भाई वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। भाई हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।